नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे अरे बिटिया रानी में आपका स्वागत है। मैं अल्पना आज आपको दिखाऊंगी कि मिस्सी रोटी कैसे बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन में फटाफट और बनाना शुरू करते हैं मिस्सी रोटी। तो मिस्सी रोटी बनाने के लिए हमने 2 कटोरी आटा ले लिया है। ये नॉर्मल आटा है, जो आटा हम घर में जिससे रोटी पराठा बनाते हैं वही आटा है। उसके बाद अब इसमें हमें क्या क्या डालना है, तो डालने के लिए कसूरी मेथी 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1/2 चम्मच साबुत सौंफ, ये मीठी वाली नहीं मसाले वाली है, जीरा 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन 1 छोटी कटोरी, हमने बेसन लिया है, धनिया पत्ता हरा धनिया पत्ता और 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। चटनी बनाने के लिए प्याज 2 मीडियम साइज की, लाल मिर्च 2, लहसुन 4 कलियां, हरा धनिया, अमचूर पाउडर, काला नमक, सादा नमक, ये हम चटनी बनाने के लिए लिए हैं। तो सबसे पहले हम रोटी बनाने के लिए हमने जो बेसन रखा था, बेसन ने 1 छोटी कटोरी हमने डाला है, साबुत जीरा, सौंफ, मसाले वाली सौंफ ही डालना है, मीठी सौंफ नहीं डालना है। कसूरी मेथी को थोड़ा सा हम हाथ से क्रश कर लिए हैं, जिससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, अजवाइन, नमक, सारी सामग्री को हम आटे में डाल देंगे। हरा धनिया, और हमने लाल मिर्च पाउडर डाली है, आप हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं तो, और मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच हमने तेल डाला है। अब इस आटे को हम गूंथेंगे। ये देखिए, खूब अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके आटे का डो तैयार करेंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे आटे को लगाना है। देखिए, काफ़ी आटा हमारा गूंथ गया है और बहुत अच्छा कलर आ रहा है हल्दी का। तो आप इसे बच्चों को सुबह नाश्ते में बना के दे सकते हैं, जब कुछ हल्का खाने का मन हो और बहुत ही ज़्यादा भारी बनाने का मन भी ना हो। बहुत कम टाइम में बहुत झटपट बन के तैयार होने वाली मिस्सी रोटी। चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने प्याज पहले से काट लिया था, सारी सामग्री सबको हम एक एक मिक्सर जार में डालेंगे और डाल के इसको पीस के चटनी तैयार करेंगे। इसकी चटनी बहुत ज़्यादा आपको बारीक नहीं करनी है, थोड़ी दरदरी चटनी इसकी अच्छी लगती है। हमने प्याज की चटनी बनाई है, आप जो भी चटनी पसंद करते हैं आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन प्याज की चटनी इसमें बहुत अच्छी लगती है। और बहुत ही थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 1 से 2 चम्मच, क्योंकि प्याज में ऑलरेडी पानी होता है। ये देखिए, हमारी चटनी पीस के तैयार हो गई है। बहुत बारीक हमने नहीं किया है, थोड़ा सा दरदरा ही पीसा है। ये देखिए, प्याज की चटनी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। अगर हरा पुदीना हो तो आप हरा पुदीना भी डाल सकते हैं, हमारे पास नहीं था इसलिए हमने नहीं डाला है। तो आटे को हमने लगभग 10 से 15 मिनट तक ढक के रख दिया था। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं और बना के फिर पराठा बनाना शुरू करते हैं। आप इसको पराठा भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, जैसा भी आपका खाने का मन हो। देखिए, पहले हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। तवे को हमने गैस ऑन करके रख दिया है गरम होने के लिए। लोई में बहुत ज़्यादा आटा नहीं लगाना है, थोड़ा सा एक बार हल्का आटा लगा के उसको थोड़ा सा थिक
मोटा ही बेलना है, बहुत पतला नहीं करना है। देखिए हमने बेल लिया है और थोड़ा थोड़ा चुटकी की सहायता से इसको पिंच कर देंगे, जिससे हमारा ये जो रोटी या पराठा है वो बहुत ज़्यादा फूले नहीं। ये देखिए हमने कर दिया है और तवे पे घी लगा के इसे रख देंगे सिकने के लिए। हम घी लगा रहे हैं, आप बिना घी के भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी रोटी और टेस्टी रोटी बनती है ये, हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद है। आप भी इसी तरह बनाइए, और जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये देखिए हमारा पराठा बहुत अच्छा सेंक रहा है, इसको दोनों साइड से थोड़ा दबा दबा के सेंकना है कि कहीं से भी कच्चा ना रह जाए। तो पराठे को बहुत तेज़ गैस की आंच में नहीं सेंकना है, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में सेंकना है, नहीं तो पराठे हमारे जल जाएंगे और पकेंगे नहीं। देखिए कितना अच्छा रेड हमारा पराठा हो गया है और कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है इसका। ये देखिए हमारा पराठा एक बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम सारे पराठों को बारी बारी से सेंक के तैयार कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा पराठा बना है, और झटपट बनाइए, बहुत ही कम समय में बन के तैयार होने वाला और पौष्टिक, जो कि बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है, जो सुबह आप लंच में झटपट बना के दे सकते हैं। देखिए सारे पराठे हमने सेंक लिए हैं। मुझे तो ये पराठा बहुत पसंद है, और प्याज की चटनी के साथ तो आप इसको हरी चटनी के साथ, हरी पुदीने की चटनी के साथ और मिक्स सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए पूरा पराठा जो हमारा है वो सिक के तैयार हो गया, कितना अच्छा पराठा हमारा सेंका हुआ है। तो चलिए फिर हम खाने की तैयारी करते हैं। तो ये हमने दही ले लिया है, हम दही चटनी के साथ इसको सर्व कर रहे हैं। आप इसको मिक्स सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, या जो भी चटनी आपको पसंद हो उसके साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये पराठा लगता है, और इसको आप बिना घी के भी बना सकते हैं। तो जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, और मेरे चैनल पर बने रहें। आपके लिए हम फिर कुछ नया लेके आते हैं। तो हमारे चैनल को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।